वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमेरल सिस्टम, आज हम लोग रोमन न्यूमेरल सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो रोमन न्यूमेरल सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ और इसके बारे में कुछ हाईलाइटेड टॉपिक पॉइंट्स। तो देखो, रोमन नंबर जैसा इसका फर्स्ट डिजिट फर्स्ट लेटर बता रहा है रोमन, तो ये नंबर्स जो है इनका ओरिजिनेशन हुआ था रोम में, एंशिएंट रोम में इनका ओरिजिनेशन हुआ था, रोमन्स ने इसे ओरिजिनेट किया था। जैसे हम इंडियंस लोग 1 2 3 काउंटिंग यूज करते हैं, ऐसे रोमन्स स्टार्टिंग के टाइम 900 से 800 बीसी के टाइम पे कुछ सिंबल्स का यूज करते थे। तो रोमन नंबरिंग में 7 सिंबल्स होते हैं, आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। ये 7 सिंबल्स ही इस सिस्टम का बेस होते हैं। जैसे हमारे इंडियन सिस्टम का बेस 10 लेटर्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, ऐसे ही रोमन नंबर का जो बेस होते हैं ये 7 सिंबल्स होते हैं। तो देखिए, हमारे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डले हुए हैं। जैसे यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो 40 किसके बराबर होता है? XL के बराबर, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 51 LI, तो L यानी यहाँ पे क्या सो हो रहा है 50। बाकी इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो देखिए, रोमन चार्ट आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, रोमन चार्ट में जो ये डिजिट्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही कम डिजिट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, बट इन डिजिट्स की हेल्प से हम कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ 1 to 9 तक जो डिजिट्स हैं ये, 1 to 9 तक जो सिम्बॉल्स हैं ये, और जो बाकी के सिम्बॉल्स हैं ये, इनकी हेल्प से हम कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो नंबर कैसे हम फॉर्म करेंगे, जैसे हमारे सिस्टम्स में कुछ रूल्स होते हैं कैसे नंबर लिखा जाएगा, ऐसे ही रोमन नंबर सिस्टम में भी कुछ रूल्स होते हैं। तो चलो हम उन रूल्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो जिसका फर्स्ट रूल है, इसका जो फर्स्ट रूल बोलता है हम डिजिट आई एक्स और सी को एक बार में 3 बार ही यूज कर सकते हैं सक्सेसिव, यानी एक बार लाइन से। और आई यानी 1 होता है, एक्स यानी 10 होता है, और सी यानी 100 होता है। ये हमने लास्ट चार्ट में देखा हुआ है। अब देखिए, जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अब हम इनकी बात करते हैं। हमने बात की आई यानी 1 होता है, अगर हम आई को 3 बार लिखें तो ये 3 बन जाएगा। ऐसे अगर हम आई को 2 बार लिखें तो ये 2 बन जाएगा, बट अगर हम आई को 4 बार लिखें तो ये 4 नहीं बनेगा। इस रूल के कहने का मतलब ये था, ओके। ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखो, एक्स यानी 10 होता है, एक्स को हमने 3 बार लिखा ये 30 होता है, बट हम एक्स को अगर 4 बार लिखें तो ये 40 नहीं होगा, ओके। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आई होगी फर्स्ट रूल का क्या कहने का मतलब था। इसी में हमें एक नोट मिलता है फर्स्ट रूल का कि किसी भी डिजिट को, यानी 7 सिंबल्स में से कोई भी सिंबल हो, उसको हम 3 बार से ज्यादा एक साथ नहीं लिख सकते, ओके। और साथ ही साथ वी को, एल को और डी को तो हम रिपीट ही नहीं कर सकते, यानी आई एक्स और सी को तो हम फिर भी रिपीट कर सकते हैं, बट वी को, एल को और डी को हम 2 बार भी साथ में नहीं लिख सकते, ओके। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकेंड रूल की साइड। तो जो हमारा सेकेंड रूल है ये कहता है, अगर किसी बड़े डिजिट के साथ बाद जस्ट राइट में अगर हम कोई छोटा डिजिट लिखेंगे ना, तो उन दोनों डिजिट को जब हम साथ में पढ़ेंगे तो दोनों को प्लस कर। जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जांपल है ये कि V और I यानी 5 + 1 मतलब 6, V और ट्रिपल I यानी 5 + 1 + 1 + 1 = 8। जैसे कि हम समझ सकते हैं 1 1 1 यानी 3 x और 1 यानी 11, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो हमारा रूल थर्ड आता है। जैसा हमारा रूल सेकंड था वैसे ही हमारा रूल थर्ड है। जब हम हायर डिजिट के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर डिजिट लिखेंगे तो हम उसको हमेशा माइनस करके लिखेंगे। जैसे देखो, हम एग्जांपल्स में देखते हैं, हमने लिखा वी आई वी, तो आई वी यानी 5 - 1 = 4। हमने लिखा आई एक्स यानी 10 - 1 = 9। हमने लिखा XL यानी क्या होगा 15 - 10 यानी 40।
मुझे लगता है अब आपको सेकंड थर्ड रूल भी अंडरस्टैंडेबल होगा, तो हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। उसके पहले हम एक नोट जान लेते हैं, जो डिजिट वी है उसको कभी भी एक्स के लेफ्ट में नहीं लिखा जाएगा, यानी हम कभी वी एक्स यानी हम कभी भी वी एक्स नहीं लिखेंगे। वी एक्स यानी हम कभी भी ऐसा नहीं मानेंगे टेन माइनस फाइव यानी फाइव, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर हमें फाइव लिखना है तो हमें वी का यूज करना पड़ेगा। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी। देखिए हमने थर्ड लॉ के बारे में तो जान ही लिया है, तो हम लोग मूव करेंगे फोर्थ लॉ की साइड। तो जो हमारा फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ बोलता है अगर किसी रोमन नंबर सिंबल या डिजिट के ऊपर अगर बार लगा दिया जाए तो अपने आप की 1000 times मोर हो जाती है वैल्यू। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर एक्स वी यानी 15 होता है, बट अगर हम एक्स वी में बार लगा दें तो इसका वैल्यू चेंज होके 15,000 हो जाता है। ऐसे सी एल वी यानी 155 होता है, बट अगर हम सी एल वी पर बार लगा दें तो इसका वैल्यू भी 1000 times इंक्रीज हो जाता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम लोग कुछ रिवीजन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादातर बुक्स में ऐसे ही कैसे मिलेंगे, हम इनके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले आप इन लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सो वीडियो पॉज कीजिए और इन्हें ट्राई कीजिए, वरना मैं तो हूँ ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए और इनके आंसर बताने के लिए। तो चलिए हम लोग अब इनके आंसर देखते हैं क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर ये हैं, हमें लिखना था 13 को रोमन न्यूमरल्स में। हमें पता है 13 यानी 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी x 111। ऐसे ही जब हमें 14 के बारे में लिखना है तो 14 भी ऐसे ही लिखा जाएगा 10 प्लस, हमने वो अभी फर्स्ट लॉ से हमने जाना कोई भी डिजिट तीन बार से ज्यादा हम नहीं लिख सकते। तो हमें 14 बनाने के लिए 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी हम क्या लिखेंगे एक्स आई बी। यानी हम अब क्या यूज करेंगे, हम थर्ड लॉ का यूज करेंगे और ये डिजिट फॉर्म करेंगे। ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल्स में होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की साइड चलते हैं। अब हमें इन रोमन नंबर्स को डिजिट्स में लिखना है, तो ये तो आई थिंक आप लोग कर ही लेंगे। चलिए हम लोग इनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमें सेकंड क्वेश्चन आके सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वी 11 लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ, वी यानी 5, 1 यानी 1 और 1 यानी 1, तो बस हम इन्हें ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 7। ऐसे ही हमें अगर फिफ्थ वाला करना हो यानी एक्स एल वी 11, तो हमने क्या पढ़ा था थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई डिजिट लेफ्ट में लिखा है तो हम क्या करेंगे माइनस, यानी 15 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ऐसे ही हम लास्ट वाले को देखें, सी एक्स एल वी। तो देखो सी एक्स एल वी यानी सी यानी हमें पता है 100 होता है, एक्स एल वी यानी 50 माइनस 10 प्लस वी यानी 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 145। आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर होगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोज।